वो हमारी 1.2 सेंटीमीटर यानी तकरीबन एक हाफ इंच जो है वो एक मंथ में हमारे बाल जो है वो लंबे होते हैं, जो कि स्कैल्प से जैसे आपके रूट्स आते हैं वो तकरीबन हाफ इंच लेंथ होती है। उसके बाद आपके बालों की जो लाइफ है, एक जो हेयर का स्टैंड है वो आपके सर के ऊपर 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 7 साल, लेकिन 3 साल के बाद एक जो हेयर का स्टैंड है वो आपके सर से गिर जाता है। यानी एक हेयर की जो लाइफ है मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल और मिनिमम 3 साल, एवरेज 3 साल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो खवातीन है, खवातीन के जो बाल हैं वो आदमियों की निस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं, और 25 ईयर की एज के बाद खवातीन के बाल जो हैं वो अपने नेक्स्ट आने वाले जो 50 ईयर में जितने उनके 25 ईयर की एज में हेयर होते हैं उससे हाफ रह जाते हैं, ठीक है। तो औरतों के बाल, लेकिन आदमियों की निस्बत औरतों के बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते हैं, आदमियों के जो हैं वो जल्दी कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो हेयर का जो ग्रोथ का साइकिल है उसको हम लोग बोलते हैं कैटाजेन, एनाजेन और टेलोजेन, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि अगर एक खातून जिसके 20-25 साल बिल्कुल इनिशियल एज में जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा घने थे, बड़े हेल्दी थे और बड़े लंबे थे, और जब वो खातून आके आपके पास 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में आती है तो आपको आके वो कंप्लेन करेगी कि मेरे बाल जितने पहले थे उतने नहीं रहे। खवातीन के बाल लंबे अरसे तक रहते हैं, लेकिन जैसे 20-25 साल की उम्र में घने होते हैं ऐसे 40 साल के बाद, 50 साल के बाद अपने 25 ईयर की एज में जितने होते हैं उससे हाफ रह जाते हैं, ठीक है। और अगर किसी ऐसे आपके पास कोई क्लाइंट आके क्लेम करे कि मेरा 25 साल या 20 साल की उम्र में बाल बिल्कुल डेड स्टेट था, और अब जब उसकी उम्र 50 साल या 60 साल के करीब है या 45 साल के बाद उसके बालों में हल्का सा फ्रीज और वेव आ जाता है, ठीक है, तो ये आपके बालों के ऊपर आपके एजिंग साइंस। बाल जो हैं वो एज के साथ साथ जैसे हमारी स्किन पे असरात होते हैं, जैसे हमारे नेल्स के ऊपर असरात होते हैं, वैसे ही हेयर के ऊपर भी आपके एजिंग साइन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।